प्यारे बच्चों, आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच सीरीज में नाउन को डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं अनाबिया कैसे आइडेंटिफाई करती है नाउन्स को। अनाबिया, टेल मी अबाउट सम नाउन्स विच आर अराउंड यू। प्यारे बच्चों, नाउन तो बहुत ही सिंपल सा पार्ट ऑफ स्पीच है। आपको पता है, अपने इर्द गिर्द देखिए, जो कुछ भी आपको नज़र आए वो नाउन ही तो है। क्यों? क्योंकि हर चीज़ का एक नाम है। आप भी एक नाउन ही हैं। अनाबिया भी पहले बहुत परेशान होती थी कि नाउन क्या होते हैं। फिर उसने मलिहा की कहानी सुनी। चले आप भी सुने मलिहा की कहानी। प्यारे बच्चों, एक थी मलिहा, उसकी एक छोटी बहन मनाल थी। मनाल को जानवर पालने का बहुत शौक था। उसी शौक में उसने एक बिल्ली पाल रखी थी। एक दिन वो अपनी बिल्ली को लेकर अपनी मामा के साथ पार्क जा रही थी तो उसने एक बंदा बस्ता पहने देखा। उसने अपनी मामा से पूछा, मामा ये कौन है? मामा ने कहा, बेटा ये तो एक पोस्टमैन है, मतलब एक डाकिया है जो के लेटर्स पोस्ट करता है, लोगों के खतूत उन तक पहुंचाता है। जब वो पार्क पहुंची तो उसने देखा वहाँ एक और लड़का भी अपना पेट लेकर आया हुआ है। वहाँ मनाल और उसकी बिल्ली दोनों ने खूब एंजॉय किया। वापसी पर मनाल की मामा ने घर के लिए कुछ ज़रूरी सामान खरीदा, जैसे अंगूर, अनानास वगैरह। इसके अलावा दूध, मक्खन, अंडे वगैरह भी खरीदे। और घर आकर मनाल ने अपनी मामा की सामान समेटने में मदद की और फिर खूब आराम किया। इस तरह एक अच्छे दिन का इख्तिताम हुआ। प्यारे बच्चों, कहानी तो आपने सुन ली, मगर जाइएगा मत, रुके अभी। आए मिलकर इस कहानी में से सब नाउन्स ढूंढते हैं। मलिहा, मनाल और उनकी मामा और वो लड़का जो पार्क में अपने पेट के साथ आया हुआ था और डाकिया, ये सब वो लोग हैं जो इस कहानी का हिस्सा हैं। ये सब नाउन्स हैं। इस कहानी में मनाल और उसकी मामा अपने घर से पार्क के लिए निकली और वापसी पर एक दुकान भी विज़िट की, क्योंकि उन्हें कुछ ग्रोसरीज लेनी थी। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है, घर, दुकान और पार्क, ये भी नाउन्स हैं। आपने कहानी में देखा, वापसी पर मनाल और उसकी मामा ने कुछ फल, अंडे, दूध और मक्खन भी खरीदा। ये सब भी नाउन्स हैं। प्यारे बच्चों, इसके अलावा पार्क का घास, झूला, कुत्ता और बिल्ली, ये भी सब नाउन्स हैं। यहाँ तक के मलिहा ने जो पोनी बांधी हुई है और जिस ट्रॉली में मलिहा की मामा ने ग्रॉसरी की, ये भी नाउन्स हैं। प्यारे बच्चों, तो नाउन्स होते क्या हैं? कुछ भी आपके इर्द गिर्द, ये सब नाउन होते हैं। तो नाउन क्या होते हैं? नाउन इज एनी
अराउंड अस। इट कैन बी पर्सन, इट कैन बी प्लेस, एनिमल और थिंग। चले आए नाउन गेम खेलते हैं। नाउन गेम के स्टेप्स हैं स्टार्ट, नेम्स ऑफ, बी क्विक, एंड स्टार्ट द नेम ऑफ एनीथिंग लाइक एनिमल, पर्सन, प्लेस। Colors, name. Black. Brown. Purple. Orange. Yellow. Golden. Silver. Change. Names of. Girls, name. Anabia, Abiha, Hinna, Yamina. Change. Names of. Provinces name. Gilgit-Baltistan. Balochistan. Sindh. Names of. Flower's name. Rose. Hibiscus. Daisy. Lily. Change. Names of. Boy's name. The bear. Hassan. Fruit's name. Mango. Orange. Apple. Banana. Strawberry. Guava. Cane. Names of. Vegetable name. Spinach. Lemon. Potato. Onion. Tomato. Capsicum. Change. Names of. Restaurant name. Mona. Fresco Lounge. Names of. City's name. Lahore. Karachi. Peshawar. Jail. Names of. Body part name. Eyes. Arm. Legs. प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं अनाबिया ने नाउंस के लिए कैसे बुक बनाई। आप भी जरूर बनाइएगा। हमारे पास एक और बुक है, हम लोगों ने इससे कोई चीजों को कट किया और अब हम बनाएंगे नाउंस।
अच्छा आप पीपल में बताएं क्या क्या है, एक दो चीज़ें बता दें बस। ओके ओके, अब एनिमल्स में बताएं। ओके नेक्स्ट, नाउ थिंग्स, कार, फ्लावर। ओके नेक्स्ट, नाउ प्लेसेस के लिए डाइनिंग रूम, गार्डन, हॉस्पिटल, लिविंग रूम। ये क्या है? लिविंग रूम। ये देखिए अनाबिया ने नाउन बुक प्रिपेयर की है, पीपल, एनिमल्स, थिंग्स एंड सम प्लेसेस। सो प्यारे बच्चों, नाउन क्या होता है? नाउन हर चीज हमारे इर्द गिर्द। प्यारे बच्चों, नाउन के लिए हम ब्लैक कलर यूज करते हैं, जैसे दिस इज अ कैट। इस सेंटेंस में कैट नाउन है, इसको हम ब्लैक कलर से लिखेंगे या ब्लैक कलर से अंडरलाइन करेंगे। बिल्कुल इसी तरह अगर लिखा है वी लव स्टोरीज, तो इसमें स्टोरीज जो है वो नाउन है, तो हम नाउन को ब्लैक कलर से लिखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच उर्दू सीरीज़ में नाउन से रिलेटेड कुछ वर्कशीट्स शेयर करेंगे, कॉमन एंड प्रॉपर नाउन में क्या डिफरेंस होता है वो भी डिस्कस करेंगे। प्यारे बच्चों, अगर आप कहानियों और एक्टिविटीज़ के ज़रिए क्रिएटिव राइटिंग की बेसिस जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।